हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रकल्प ऑफिशियल ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये है 5 सितंबर का ब्लॉग। मैं पहुंच गई थी अपना तीज का सामान लेने, जो कि पूजा में यूज़ होने वाला है। मैं जितना भी सामान लेती हूँ वो मैं अपने सोसाइटी के सामने ही है, शादरा मार्केट, उसमें ये शॉप है, बहुत ही अच्छी शॉप है। जितना भी यूज़ का सामान है, मेरे यूज़ का सामान होता है ना, वो ऑलमोस्ट यहाँ मिल जाता है, चूड़ियाँ और बिंदी वगैरह वगैरह, तो मैं यहाँ से ले आती हूँ। और इसके बाद मैं चली गई थी मिठास, जो मुझे जो पूजा में मिठाई चढ़ानी थी भगवान को, वो मिठाई लेने। उसके बाद हम लोग घर पे चले गए थे वापस। तो घर जाने के बाद घर का सारा काम किया, खाना वाना बनाकर फिर मैं आ गई थी अपने सोसाइटी के बगल सोसाइटी यानी पारस टियारा में, जहां मैं हर बार मेहंदी लगवाती हूं। अभी फ़िलहाल में मैं रक्षाबंधन पे जा रही थी तो भी मैंने यहीं से मेहंदी लगवाई थी। मुझे यहां जो लगाते हैं ना मेहंदी, उनका डिज़ाइन बहुत पसंद आता है। और जब मैं यहाँ गई ना, काफ़ी भीड़ हो रही थी और इस दिन ना काफ़ी कॉस्टली लगती है मेहंदी। मतलब मैं तो बाद में उनको बोला, मैंने कहा कि इसका रेट मैं कम ही दूंगी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जो आपको मन लगे वो कर दे देना, बाकी सबके लिए तो मैं, आप सबके सामने मत बोलना। तो मैं पहुंच गई थी यहाँ और मैंने जो ये मेहंदी लगवाई थी, ये मेहंदी थी 1500 रुपये में। पहले वो 3000 बोल रहे थे, लेकिन करते 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 मैंने 1500 रुपये करवाया। भाई इतनी ज़्यादा महंगी मेहंदी तो भाई कहीं पर भी नहीं लगती है। आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मैं चली आई थी घर और घर आके खाया था खाना, जो कि मेरे हस्बैंड ने खाना खिलाया था मुझे। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। मैंने पहनी थी ये साड़ी जो कि मुझे बहुत पसंद आई। मेरे ये मेरी मम्मी ने दी थी जब मैं अपनी बेटी को फर्स्ट टाइम लेकर गई थी मायके, तब दी थी, लेकिन आज तक ये बनी ही पड़ी है। अभी तक मैंने इसे पहनी हुई थी और तीज के दिन कोरा ही कपड़ा पहनना चाहिए, तो मैंने ये साड़ी पहले निकाली। मॉर्निंग में मैंने ये पहनी थी और इवनिंग में दूसरी पहनी थी। तो ये साड़ी आप लोगों को कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड इस बार भी मम्मी ने तीज के लिए साड़ी ली थी, लेकिन मैंने मना मना करते करते उन्होंने लास्ट में बोला पैसे देकर कि अब जो तेरा मन हो वही ले लेना, क्योंकि इस टाइम ना मुझे ना अपने पसंद की साड़ी लेने का मन है। सिर्फ मुझे भारी ना पसंद नहीं आती, थोड़ी हल्की हो और कलर अच्छा हो जो मुझे पसंद आए, तो मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। तो मम्मी ने मुझे पैसे दे दिए थे कि इस बार अपने मन से ले लेना। फिर उसके बाद मैंने अपने माधव को रेडी किया, उनको भोग लगाया, फिर मंदिर भी साफ करना था तो मंदिर साफ करने में लग गई। उसके बाद वहाँ पूजा की। जो भी मुझे तीज के दिन छूना था सामान जो दिया जाता है पंडित को, तो वो मैंने 8 बजे से पहले छू लिया था, क्योंकि टाइम था उसका, 8 बजे से पहले छू लेना था, तो वो छू के मैंने साइड में रख दिया था। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ आलता। मैं आलता सिर्फ तीज और करवा चौथ में ही लगाती हूँ, क्योंकि मेरे पैर ना उससे बहुत फटने लगते हैं और इतना अच्छा आलता यहाँ मिलता भी नहीं है, तो मैं कम ही लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैंने नेल पेंट वगैरह लगाया। इसी दिन होता है कि कुछ अच्छे से श्रृंगार करते हैं हम लोग, लेकिन ऑल दिन मतलब इतने रोज़ नहीं हो पाता इतना कुछ,
उसके बाद फिर मैंने फटाफट से शाम की तैयारी का स्टार्ट की, जो मुझे शाम को पहनना था। मैंने इस बार बुलाई थी मेकअप आर्टिस्ट, जो कि मेरे पहले प्री बेबी शूट में भी उसने मुझे मेकअप किया था, बहुत ही पसंद आया था मुझे। बर्थडे में मैंने किसी और को बुलाया था क्योंकि ये उस टाइम पे फ्री नहीं थी, और जो बर्थडे टाइम पे भी आई थी वो भी बहुत अच्छा मेकअप कर रही थी, मेरा मतलब मुझे जो पसंद आया है वैसा मेकअप था। तो ये आ गई थी 4:30 बजे, मतलब मेरे घर आ गई थी, और बहुत ही अच्छा मेकअप किया। यहाँ मैं पहले से ही तैयार कर रही थी जो मुझे पहन लेना है, मेकअप तो वो आके कर लेगी क्योंकि लेट हो रहा था, और इससे ज़्यादा लेट होता तो मैं पूजा कब करती। तो मैंने जो चूड़ियाँ वगैरह सब पहन ली थी, पायल वगैरह जो मुझे पहनना था वो मैंने पहले ही पहन लिया था, और ये आते ही स्टार्ट हो गई फटाफट से ताकि मुझे जल्दी से जल्दी रेडी कर दे। तो यहाँ मैं हो गई हूँ फुल रेडी। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत पसंद आया था मेरा ये लुक, जो मैंने सोचा था वैसा ही बिल्कुल डिट्टो मैंने वैसा ही लुक लिया। होता नहीं है कि हाँ दिमाग में ऐसा बैठा हो कि सिर्फ ऐसे ही पहनना है, ऐसे ही मेकअप करवाना है, सेम वैसे ही मेरा जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मुझे बहुत पसंद आया। मेकअप करवाने के बाद मैं चली गई थी मंदिर, मंदिर में जाके पूजा की। पिछले साल तो टाइम पे आके पूजा कर ली थी, लेकिन इस बार ना बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो जब बारिश रुकी तभी मैं आई मंदिर में और फिर फटाफट से पूजा किया। अभिषेक नहीं कर पाई क्योंकि श्रृंगार हो चुका था, तो पंडित जी ने बोला कि अब अभिषेक नहीं हो सकता, आप बस पूजा कर लीजिए। तो मैंने सिर्फ पूजा की और फिर वापस घर आ गई थी। तो मंदिर पूजा करने के बाद मैं आ गई थी घर और फटाफट से अपने घर की पूजा शुरू की। घर पे सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था मैंने पहले से ही, बस अब पूजा करना ही बाकी था, तो वो किया मैंने स्टार्ट। तो यहाँ मैंने सुहाग का सामान माता पार्वती को चढ़ाया और जो साड़ी मैंने खरीद रखी थी वो चढ़ाई है। बाद में मैं ही यूज़ करती हूँ भगवान माता पार्वती को चढ़ा के,
उसके बाद कथा सुनी और ऐसे ही मेरा व्रत कंप्लीट किया। जैसे ही व्रत से उठो ना तब थोड़ा फील होता है, क्योंकि उससे पहले तो हम लोग बिजी रहते हैं कुछ ना कुछ करने में, तो टाइम का पता नहीं लगता। लेकिन जैसे ही पूजा कंप्लीट करो तब लगता है कि हाँ कुछ प्यास लग रही है, लेकिन मन को अच्छे से रख के बिजी रखा तो पूरी रात अच्छे से कटी और सुबह मैंने अच्छे से पारण किया, तो ऐसे मेरा व्रत कंप्लीट हुआ। आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए। इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।